चार दिन से चल रहा है, उसको लेकर क्या करना? मेरा स्पष्ट मानना है, स्कूल और कॉलेजों में हमारे बेटा बेटियां पढ़कर करियर बनाने जा रहे हैं, और कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बेटा बेटियां सुरक्षित ना हो, फिर एबीवीपी की है या एनएसयूपी है, या तो हमारी बेटा बेटी, उनको किसी भी आइडियोलॉजी में जाने का अधिकार है, आइडियोलॉजिकली चर्चा करो, परंतु कॉलेज कैंपस में जाने वाली हमारी बेटा बेटियां सुरक्षित रहे वह भारत का कोई परिवार नहीं चाहेगा। और इसलिए मैं देश की सरकार और सभी राजनीतिक दलों को आह्वान करूंगा कि मिलकर कॉलेज छात्रा छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो। जिम्मेदार कौन है कभी से 70 साल के बाद भी जिम्मेदार नहीं पता चलता, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मौत किसने कैसे हुआ और दीनदयाल उपाध्याय ने किसको मारा, भाजपा की इसी सरकार आने के बाद भी पता चला है। इसलिए जिम्मेदार कौन है वह राजनीति खेलने की जरूरत नहीं, इसमें तो सहमत है ना कि कॉलेज में पढ़ने वाले हमारी बेटा बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, उनका सर और टूट जाए और टांग टूट जाए, आप चाहोगे क्या? आप चाहोगे नहीं चाहेंगे हम, ये बंद करो, बेटा बेटियों को पढ़कर कैरियर बनाने दो, उनकी टांगे तोड़वाने का काम कहाँ से करवाने लगे। सर किसान है वो परेशान है टीडी दल को लेकर, जिस तरीके की उनकी अरबों रुपए की जो फसल थी वो नष्ट हो गई है, तो आप क्या देखते हैं इसके लिए, क्या मोदी सरकार पूरी कार्रवाई नहीं कर रही या कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान तीर भेजता है तो हम अपनी सेना भेजे, सीधी बात है, हम सेना नहीं भेजे और कंप्लेन करके पाकिस्तान तीर भेजता है सेना भेजो ना तीड़ के उत्तर में, ठिकाने लग जाएंगे, और किसानों को फसल नष्ट होती है तो मुआवजा देने का काम गुजरात में भी सरकार करे और राजस्थान में भी करे, सरकार कांग्रेस की है, एक दूसरे को दोष देते हैं, गुजरात की सरकार करती है, राजस्थान सरकार ने तीड़ भेजी, अरे भाई तीड़ पाकिस्तान ने भेजी है, प्रधानमंत्री को कहो वहाँ सेना भेजे, वो या कांग्रेस की सरकार है उसको ब्लेम करते हैं, या भाजपा की सरकार होती तो किसको ब्लेम करते हैं।